बाहर का डर, मातम का स्वर, चीखती रातें, लाशों के ढेर, सांसों की बातें, जलती चिताएं, रोती माताएं, हुजूर इन सभी ने हिला दिया है, सरकार आपने अच्छा सिला दिया है। हुजूर, जब आपको सुनने के लिए पूरा पांडाल भर गया था, उसी समय उसी पांडाल से थोड़ी ही दूर एक मजदूर कोरोना से तड़प तड़प के मर गया था। हुजूर, जब आप उड़ रहे थे, आपकी नीतियां हवाओं से बातें कर रही थी, ठीक उसी वक्त आगरा में एक औरत ऑटो रिक्शा के बीच अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह से उसकी छाती में सांसें भर रही थी। हुजूर, अभी पिछले साल ही तो चूड़ी पहनाई थी, सुहागन बनकर के आंगन में आई थी, न जाने कितने सपने सच हुए थे, साथ साथ हंसे थे, साथ साथ रोए थे, अब सारी यादें दफन हो गई हैं। हुजूर, पहनाई थी जो चुनरी कफन हो गई है। इन घटनाओं के गुनहगार आप हैं, हम गरीब जनता हैं, आप माई बाप हैं। हुजूर, मैं जानता हूं कि ये महामारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, इससे अकेले लड़ना आसान नहीं है, लेकिन हमारा दुख तो बस इतना सा है कि आपका हम पर पूरा ध्यान नहीं है। अगर होता तो सीट और जिंदगियां हारने की खबरें एक साथ आती, अगर होता तो वोट और लाशें एक साथ गिनी जाती। हुजूर, आपने पटेल की मूर्ति बनवाई, आपको बहुत बहुत बधाई। हुजूर, मैं मानता हूं कि आपके इरादे नेक रहे होंगे, लेकिन आज का सच तो यही है कि इतनी ऊंचाई से सबसे ज्यादा लाशें तो सरदार पटेल ही देख रहे होंगे। हुजूर, आप हमारे बड़े हैं, तो सच सच बताइएगा।